हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हनी सिंह का ब्रांड न्यू सॉन्ग फर्स्ट किस का रिएक्शन। और ये जो है, हनी सिंह ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया इस सॉन्ग को और काफी ज्यादा मतलब लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरने की कोशिश की किस तरीके से उनके अपने इंस्टाग्राम पे। और हर जगह उन्होंने बोला कि टीजर आ रहा है, ये आ रहा है, और फिर टीजर भी लॉन्च किया था कल ही। और फिर सब बताया कि भाई बहुत बड़ा सॉन्ग है, मेरा सबसे धमाकेदार सॉन्ग है। और काफी लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ा तो उसमें यही लिख रहे हैं कि वो ओल्ड हनी सिंह हमें वापस मिल चुका है। जो ओल्ड हनी सिंह था वो तो बहुत कमाल का था, जिस तरीके से उनके जो वो मेनली जो उनके रैप होते थे, चाहे वो थोड़े से लोगों को मतलब ऑफेंड करते थे आप कह सकते हो, लेकिन मजा आती थी यार। चाहे वो दारू और वो सब होते थे, पर लाइक आपके मुंह पे चढ़ने वाले होते थे। और अभी तक आपको याद होगा ब्लू आइज हो गए, सारे सॉन्ग्स हो गए, तो वैसे कुछ उम्मीद करें फर्स्ट किस से भी कि ये भी ऐसा ही सॉन्ग और बहुत कमाल का हो। और साथ में इप्सिता भी है, उनको नया लॉन्च किया यहाँ पे हनी सिंह ने, देखते हैं वो कैसी करते हैं और क्या मजेदार सॉन्ग आते हैं। यस, हनी सिंह काफी टाइम बाद एक ऐसा सॉन्ग लेके आ रहे हैं जिससे हमें वो पुराने हनी सिंह वाली वाइब मिल सकती है। हमने कमेंट्स में भी यही बात पढ़ी क्योंकि पुराने सॉन्ग उनके लिटरली बहुत अच्छे होते थे। पंजाबी सॉन्ग स्पेशल मुझे उनके बहुत अच्छे लगते थे, वो पहले वही गाते थे ऑफकोर्स। एंड इसमें इन्होंने इप्सिता को लॉन्च किया है एंड सिंगस्टा के साथ ये सॉन्ग बनाए। इसके साथ सिंगस्टा के साथ पहले बिल्लो तो आगे वो भी इन्होंने बनाया था, शायद इससे पहले वही आया था, वो भी सॉन्ग काफी अच्छा लगा था। देख लेते ये सॉन्ग कैसा है क्योंकि ये सॉन्ग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है, देखते हैं सॉन्ग कैसा है। और जैसे भी लास्ट आने वाले सॉन्ग जो थे वो बिलो तू अग है, फिर लोका था, ये सारे सॉन्ग थे, पर ये मेरे को इतने अच्छे लगे थे। मेरे को जो बेस्ट लगा था अभी रिसेंटली वो उसका आया काफी टाइम हो गया, और वो देखा जाए तो हनी सिंह का कमबैक सॉन्ग था मखना। उसमें उनका मेरे को रैप बहुत अच्छा लगा था, लाइक जिस तरीके से उनका वो रैप था, वो पुराना रैप था, चाहे उसमें भी थोड़े से लिरिक्स ऐसे थे। अच्छा लगा था। अच्छा, वही वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आप लोगों क्या है वो भी कमेंट जरूर बताएगा। बाकी ये वाला सॉन्ग देखते कैसा होता, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। भूषण कुमार फर्स्ट किस लिखा? भूषण कुमार फर्स्ट, वो कैसे पानी के ऊपर खड़े? वाह, ग्राफिक्स सही है। सीता वीडियोग्राफी मेरे को अच्छी लग रही है, बहुत कूल है। आहा, यही हुक है मेन। और होना चाहिए रैप। हाँ, पर और थोड़ा रैप मारे ना मजा है। ये इसका जो हुक है ना, थोड़ा टाइम सुनते जाओ तो और चढ़ता है। फर्स्ट किस बैकग्राउंड देखो। वाह, दिल पे हाथ रख के बोला तू भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। जोरदार था, स्टेप भी अच्छा है यार, मस्त बनाया। आय हाय, लास्ट में एक सिंगिंग पंजाबी वाइब रखी है।
जोरदार टॉप क्लास, वो रैप भी मिल गया वापस पुराना वाला, बहुत कूल वाइब वाला सॉन्ग, आउटफिट्स बहुत मुझे अच्छी लगी, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत ही जोरदार सॉन्ग था, कितना एंजॉयबल सॉन्ग बनाया था, देखने में इतनी मजा आ रही थी, डांस स्टेप्स बहुत अच्छे लगे, आउटफिट्स बहुत अच्छी लगी, लिरिक्स बहुत अच्छी थी एंड बीच में पंजाबी टच था, ओए होए होए गला वाले टोए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा मुझे एंड इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया ना, इतना कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था एंड बैकग्राउंड जो भी लिया था बहुत कमाल का बैकग्राउंड लिया था एंड हनी सिंह का जो रैप था उसके लिरिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, विराट अनुष्का एंड कबूल है तो एक हंसी भी आ रही थी, मतलब लाइक एंजॉयबल लिटरली सॉन्ग बनाया गया था, बहुत मजा आया सुन के। और मेनली चीज ये थी कि बहुत सही में बहुत कूल वाइब वाला सॉन्ग था, कि दोनों के ड्रेसेस इतने कूल जैसे तू बता रही थी, और दोनों का जैसे बैकग्राउंड इतना कूल, और ऊपर से हर एक चीज लाइक वीडियोग्राफी तो बहुत कूल की गई थी, और ऊपर सॉन्ग भी उतना ही जबरदस्त था, वही जो तू कह रही थी हनी सिंह का जिस तरीके से लिरिक्स थे, और वो उनके जो, और मेरी जो इप्सिता की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनके जो वॉइस है ना वो बहुत ज्यादा कैची, और आपको एक बार के बाद थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगी है, वही ब्यूटीफुल भी और कैची, मतलब किस तरीके से आपको बार बार उनका सॉन्ग सुनने मजा आ रहा है, पहले जब ये सॉन्ग को फर्स्ट टाइम सुन रहा था एक बार लगता है वो थोड़ा सा ऑटो ट्यून ज्यादा लग जाएगी, वो प्यार की पहली प्यार की, लेकिन अब वही दूसरी तीसरी पैराग्राफ सुन रहा था उसके बाद वो आपको बैठने लग जाता है और वो बीट्स आपको बैठने लग जाती है और फिर आपको मजा आने लग जाती है, और ये मेनली वैसे है कि आप कहीं कार राइड पर दूर आराम से जा रहे हो तब ये गाना चलाते जब जोर से और तब आपको मजा आता रहेगा, और वैसे था तो इप्सिता ने बहुत अच्छा गाया, और मेनली हनी सिंह का जो था वो तो उन्होंने रैप बहुत कमाल किया, मेरे को कहीं भी और था कि थोड़ा सा और रैप थोड़ा लंबा आता, कि जैसे थोड़ा छोटा था लाइक 25-30 सेकंड का रैप किया था, एकदम कूल रैप चल रहा था, मतलब ऐसे थोड़ा ढिंचक बन आता वो नहीं था है ना, बट ऑफ कोर्स पूरा सॉन्ग ही कूल था, बट उनका रैप ऑफ कोर्स इतने टाइम बाद, उनके रैप वैसे बहुत अच्छे होते हैं हर सॉन्ग में, इस सॉन्ग में और ज्यादा इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बहुत मजा आई ये सॉन्ग सुन के एंड इप्सिता की भी ऑफ कोर्स तारीफ करनी पड़ेगी, इनकी वॉइस जो है काफी यूनिक वॉइस है ना, काफी डिफरेंट वॉइस है एंड इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से सारे स्टेप्स किए, इनके ऊपर सारी आउटफिट प्लस सारा जो भी मेकअप था इतना सूट कर रहा था, हेयर स्टाइल इतनी अच्छी की गई थी हर एक स्टाइल में हर एक आउटफिट में, बहुत मजा आया सॉन्ग देख, और वही लगता है शायद हनी सिंह ने एक बहुत बड़ी शायद सिंगर को यहाँ पे लॉन्च कर दिया और इप्सिता को, और जिस तरह लॉन्च भी नहीं मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि अब शायद ऊपर ही जाने लगी, इप्सिता ऐसी लग रही है जिनका जितना उनका कॉन्फिडेंस स्क्रीन के ऊपर वो बहुत अच्छा लगा देखिए, लाइक फर्स्ट वीडियो के हिसाब से तो कमाल किया और बहुत मजा लगा है, और इसकी डांस प्रैक्टिस भी बहुत देखी है इससे, तो ये सॉन्ग मतलब हर लेवल में बहुत कमाल करता है, वीडियो से लेके हर चीज प्रोडक्शन से लेके इसका पूरा लिरिक्स से लेके बहुत मजा आया, आप लोगों को कैसा लगा आपका कमेंट जरूर बताएगा, और आपके कौन सा फेवरेट लिरिक था वो भी जरूर बताएगा, क्या कबूल है वाला था या फिर विराट अनुष्का वाला था तो वो जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।